हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देख करके क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए तो आसानी से ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव। अगर कहीं भी आपको जो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम वहां पर या तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करें या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो हम जो है आसानी से यहाँ पर जो है ए को ए स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं और वन प्लस का यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा होता है या वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बन जाता है, तो हम जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा बना करके उसे हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसी सिचुएशन में एक्स इक्वल टू या तो ए साइन थीटा पुट करें या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करेंगे। रीजन क्या है कि ए स्क्वायर तो हमारा कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम आसानी से उसको हम डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं अगर हमारे पास कहीं दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वहां पर एक्स की वैल्यू या तो ए sec थीटा पुट करिए या एक्स की वैल्यू ए cosec थीटा पुट करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन जो है हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है और cosec स्क्वायर थीटा माइनस का वन इज इक्वल टू हमारे पास cot थीटा होता है। तो आसानी से उसकी वैल्यू को हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन है अंडर रूट में a माइनस एक्स बाई में a प्लस का x, या हमें अंडर रूट में a प्लस एक्स बाई में वन माइनस का a माइनस का x हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है a cos 2 थीटा लेते हैं। cos 2 थीटा इसलिए लेते हैं कि a को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ cos थीटा को हाफ एंगल पर तोड़ सकें, ताकि ये जो वन बचेगा ना यहाँ पे वो वन जो है हमारे पास एलिमिनेट हो सके और स्क्वायर के रूप में अंडर रूट हमारा समाप्त होकर के आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक्स इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करते हैं। अगर मान लीजिए यही चीज जो है आपके पास स्क्वायर के फॉर्म में दी गई है, तो हम क्या करते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिया है, या अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करते हैं। तो हमारे पास जो है बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाया जाता है और हम आसानी से इसे जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर कॉमन हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है और कॉस 2 थीटा हाफ एंगल पर टूट करके वन को हमें सॉल्व कराया जाए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत